बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारी आज सेफ्टी मीटिंग है, मास टूलबॉक्स स्टॉक मीटिंग है आज, और इसमें जो आपको सेफ्टी मीटिंग में बताया जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन सेफ्टी के बारे में, उसको आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जो है वर्क एट हाइट, जो कि आप अभी काम चल रहा है यहाँ पे वर्क एट हाइट का, उसमें आपका सेफ्टी क्या होनी चाहिए ऊंचाई पे काम करने के लिए। वर्क एट हाइट पे सबसे पहले आपके पास फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए, गिरने से बचने के लिए फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए। वो क्या होता है, या तो आपके पास स्कैफोल्डिंग होनी चाहिए, या तो आपके पास फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होना चाहिए। वो क्या होता है, सेफ्टी बेल्ट हार्नेस होती है, वो पहन के आप काम करोगे। जब भी कभी 1.8 मीटर यानी 6 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पे काम करोगे तो सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस फुल बॉडी आपके पास लाजमी आपने पहननी है। उसके बाद में अगर आप टेम्पररी शॉर्ट टाइम के लिए कोई काम कर रहे हो तो लैडर से आप काम कर सकते हो, लैडर पे सीढ़ी पे चढ़कर काम कर सकते हो। अगर कोई परमानेंट और ज़्यादा देर का काम है तो फिर आप स्कैफोल्डिंग यूज़ करोगे या फिर मैन लिफ्ट यूज़ करोगे, लेकिन स्कैफोल्डिंग पे और मैन लिफ्ट पे भी आपको फुल बॉडी हार्नेस बेल्ट पहनना ज़रूरी है। स्कैफोल्डिंग पे, लैडर पे और मैन लिफ्ट पे अगर आप काम कर रहे हो तो तब भी आपको लाजमी फुल बॉडी हार्नेस पहनना है, ठीक है। और जब वर्क एट हाइट मैन लिफ्ट या क्रेन या कोई और इक्विपमेंट काम कर रहा है उसके नीचे खड़ा होना और उसके नीचे से गुजरना मना है, वो नहीं होना चाहिए, वो डेंजर है, ठीक है। उसके बाद में आपको कोई भी इक्विपमेंट काम कर रहा है, शावल, बॉकेट, जेसीबी, उसके पीछे खड़ा नहीं होना है, उसके पीछे काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसे इक्विपमेंट के पीछे उसको नज़र नहीं आता है। बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे होते हो आप कि उसको नज़र नहीं आ रहा होता है कि पीछे कोई काम कर रहा है या पीछे कोई आदमी खड़ा है, तो वहाँ पर आपने अवॉइड करना है, वहाँ काम नहीं करना है, वहाँ से आपने बचना है उससे इक्विपमेंट से। इसके अलावा मंथली हर महीने हैंड टूल्स, पावर टूल्स चेक करके, मंथली कलर कोड होता है वो आप लोगों को सबको पता है, वो कलर कोड किस लिए लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि ये इंश्योर हो जाता है कि आप लोगों ने ये इक्विपमेंट चेक कर लिया है, ये टूल चेक कर लिया है। और टूल्स को चेक करने का क्या तरीका है, उसको फिजिकली चेक करना है आपने, उसका प्लग चेक करना है, पावर टूल्स का फ्री प्लग होना चाहिए, उसकी वायर केबल कटी भी नहीं होनी चाहिए, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इंसुलेशन होनी चाहिए, ये सारा आप चेक करोगे। और होम मेड टूल्स जो आप लोग खुद बनाते हो, जो टूल्स आप लोग खुद वेल्डिंग करके कोई टूल्स बनाते हो, वो अलाउड नहीं होते साइट पे, वो अलाउड नहीं होते, उससे काम कर नहीं करना है आपको। उसके बाद में आपको मंथली कलर कोड करना है सारे टूल्स को, ठीक है। उसके बाद आपको कोई हादसा हो जाता है यहाँ पर, कोई भी चीज़ हो जाती है, फौरन अपने सुपरवाइज़र को बताना है, फौरन बताना आके कि ये मसला हो गया यहाँ पर, ये खतरा था, ये एक चीज़ हो गई है यहाँ पर, कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई इक्विपमेंट एक दूसरे से टकरा जाते हैं या कोई इक्विपमेंट हिट कर देता है किसी चीज़ को, तो फौरन आपने आके अपने सुपरवाइज़र को बताना है। उसके बाद में आपको फॉर इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज एनी इंजरी, एनी फायर और एनी स्पिल, यू शुड इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर। उसके बाद में इफ यू आर वर्किंग ऑन द हाइट, यू शुड हैव द फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। व्हाट इज द फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम, स्कैफोल्डिंग, एंड यू शुड हैव द फुल बॉडी हार्नेस इफ यू आर वर्किंग
on 1.8 meter height or more than 1.8 meter height, you should have full body harness and you should have proper scaffolding. If you are working for the long time, you should have scaffolding and man lift. If you are working for a short time or temporary, so you can use the ladder for the tools, hand tools and power tools. You should monthly color code, you should inspection, you should do inspection monthly. And homemade tools are not allowed on the site. You should have proper hand tools. Okay? Thank you very much. Safety! First. Safety! First. Safety! First. Assalamu alaikum. Goodbye.